हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डियर वाली क्लासेस बाय अनुपम सर। आप इंटरमीडिएट परीक्षा में उलझ गए हैं, उलझे मत। इस वीडियो को पूरा देखें, उलझे को मैं सुलझा दूंगा। ध्यान देखिए, पूरा दूध का दूध पानी का पानी अलग कर दूंगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे क्या करना है, 10 में से जो 3 प्रश्न में आप लोग बहुत खुश हैं ना, उसको ध्यान से सुन लीजिए। अभी आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ है, कैसे है। ठीक है, आप बहुत खुश हैं, बहुत उतावले हैं। कई बच्चे कह रहे हैं सर 10 में से केवल 3 प्रश्न करना है, 1 प्रश्न 2 प्रश्न 3 प्रश्न बस हम करके चले आएंगे। अरे इतना हलवा नहीं है, घबराओ नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके अंदर पढ़ाई की एक आग सी लग जाएगी और आप पढ़ना चालू कर देंगे। ठीक है ना, एक जो कहते हैं ना मोटिवेशन, जोश सा उत्पन्न हो जाएगा, आप पढ़ाई चालू कर देंगे। चलिए हम इस वीडियो को पूरा बताते हैं और पूरा ये भी बताएंगे कि 10 प्रश्न में से 3 प्रश्न किस टाइप के हैं, कैसे आपको करना है। ये चीज ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। अगर आप मैथमेटिक्स से हैं, फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं, बायो से हैं, तो आप तैयारी चालू कर दीजिए। मैथमेटिक्स क्लास सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे ऑनलाइन लाइव चलती है। उसमें टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट में आपका टेस्ट भी होता है। 10 प्रश्नों का टेस्ट रहता है। अगर आप टेस्ट देते रहेंगे, सबसे पहले बहुविकल्पीय रहता है, उसको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सारे आंसरों को मैं कराते चल रहा हूँ, एक एक चैप्टर का पूरा। तो उसको डेली प्रतिदिन आकर के देखा करें। चलिए वीडियो को देखिए, इसमें कैसे प्रश्न आएंगे मैं पूरा आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, पूरी क्लियरिटी दे दूंगा। अभी आपके दिमाग में बैठ जाएगा कैसे पेपर सॉल्व करना है। चलिए, जब ये प्रस्ताव आया था तो कई लड़कों ने, कई छात्र छात्राओं ने, कई शिक्षकों ने इसके बारे में विरोध किया था। इसके बारे में क्या किया था, विरोध किया था। लेकिन ये विरोध क्या चीज़ हुआ, जब सरकार ने स्पष्टीकरण दिया, बोर्ड ने स्पष्टीकरण दिया, तो विरोध बच्चों ने करना कम कर दिया। अच्छा, कई बच्चों का मेरे पास भी फ़ोन आया कि सर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। गलत नहीं है, गलत ये नहीं है, वो ये सबसे सही है। क्या चीज़ है, कैसे है, ध्यान से भी जब सुनिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। सरकार ने इंटर के 26 लाख से अधिक छात्र छात्राओं की परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में कराने का निर्णय लिया है और इसके लिए पैटर्न भी बदला जाएगा। बोर्ड ने पिछले साल पाठ्यक्रम 30% कम कर दिया था, बचे हुए 70% कोर्स की परीक्षा महज 1.5 घंटे में कराई जाएगी। प्रायोगिक परीक्षाएं दूसरी लहर में आने से पहले ही हो चुकी। प्रायोगिक परीक्षाएं मतलब आपका प्रैक्टिकल हो चुका है। ठीक है, इस बार बच्चों के पास प्रश्नों के अधिक विकल्प होंगे। उदाहरण के तौर पर 10 में से 5 प्रश्न करना होता था तो इस साल 3 प्रश्न ही करना होगा। हालांकि कुछ लोग इस निर्णय के पक्ष में नहीं थे, उनका तर्क था कि जब बच्चे परीक्षा केंद्र तक जाएंगे तो 1.5 घंटा ही परीक्षा कराने का क्या औचित्य है। चलिए इसके बारे में बस यहीं रुक जाइए, इसी पॉइंट को मैं पूरा विशेष एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, भावार्थ, उसका की पॉइंट सब कुछ मैं नोट कर दे रहा हूँ इसी वक्त। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को इतना सुन चुके हैं और इतना आप पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से कम 3 बार पढ़ेंगे, 3 बार समझाने का प्रयास करूंगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा। क्या चीज़ कहा है, इस बार बच्चों के पास प्रश्नों के अधिक विकल्प होंगे। चलिए ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। क्यों, क्योंकि 10 में से 3 ही प्रश्न चुनना है, आपके पास विकल्प बहुत हैं। अच्छा, उदाहरण के तौर पर 10 में से 5 प्रश्न हल करना होता था। ज़रा आप लोग हमें बताइए, 10 में से जो 5 प्रश्न करना होता था, क्या 5 ही करना होता था कि सब में एक एक, जैसे पहला करते थे उसमें 5 से 6 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होता था, दूसरा करते थे अति लघु उत्तरीय करते थे उसमें 5 से 6 प्रश्न होता था, 6 प्रश्न होता था जिसमें से 5 करना रहता था। अति लघु उत्तरीय के बाद लघु उत्तरीय करते थे, फिर दीर्घ उत्तरीय करते थे ना 10 में से, कि 1 2 3 4 5 प्रश्न आया, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, प्रश्न आता था लेकिन उसमें 5-5 खंड होते थे, 5-5 पाठ होते, ABCD करके ऐसे होता था, या का खा गा घा गा करके, या 1 2 3 4 5 करके ऐसा कुछ होता था। तो वही तरीका, वही पैटर्न रहेगा, लेकिन पेपर जो हुआ 1.5 घंटे में रहेगा। अब आपके पास केवल 3 प्रश्न चुनना है, जो आपके माइंड में चल रहा है 3 प्रश्न, सर 1 प्रश्न कर लेंगे, 2 प्रश्न 3 प्रश्न, 1 प्रश्न में कई प्रश्न में कम से कम 4-5 खंड होगा। मुझे तो लगता है पहले वाले प्रश्न कहीं 10 से 15 या 15 से 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन ना दे दे, क्योंकि 1.5 घंटे समय में उनको पेपर बनाना है। वो क्या करेंगे, कहेंगे 3 ही प्रश्न चुनना है, पहले वाले में कई खंड दे देंगे, बहुविकल्पीय वाला दूसरा दे देंगे, तीसरा, ऐसे करके वो बना करके दे देंगे। आपको 3 ही प्रश्न उसमें चुनना होगा और कहने के लिए 3 प्रश्न रहेगा, लेकिन सब में एक एक खंड, एक एक प्रश्न में कम से कम 5-5 खंड होंगे। तो इस प्रकार मुझे आशा है आपको पेपर के बारे में पूरा समझ में आया होगा। आप इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ से तक के बीच में एक बार आप पढ़ लेंगे ध्यान से। ठीक है, यहां से यहां के तक के बीच में जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे, यहां से और यहां के बीच में आप पढ़ लीजिए एक बार, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं, आगे क्या चीज है। बोर्ड ने पहले ही पाठ्यक्रम घटा दिया है, ऐसे में प्रश्नों की संख्या घटाने से बच्चे का मूल्यांकन सही से नहीं हो सकेगा। वैसे इंटर की परीक्षा का प्रारूप तय करने के लिए बोर्ड के पास अभी पर्याप्त समय है, सितंबर मध्य तक दे सकेंगे परिणाम। इंटर का परिणाम सितंबर मध्य से पहले आने की संभावना नहीं है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में परीक्षा शुरू होने के बाद 15 कार्य दिवस में पूरी होगी। साफ है कि 15 परीक्षा कराने में ही निकल जाएगा,
साफ है कि 15 का अर्थ पूरी साफ है कि जुलाई परीक्षा कराने में निकल जाएगा, उसके बाद 15 दिन कापियों के मूल्यांकन में लगता है, उसके बाद कम से कम एक महीने परिणाम तैयार करने में लगेंगे, ऐसे में सितंबर दूसरे सप्ताह से पहले इंटर का रिजल्ट आना क्या है मुश्किल है। तो आपको सिलेबस के बारे में विशेष चर्चा, आपको अपने पेपर के बारे में कुछ आपको जरूर अनुमान मिला होगा कि कैसे पेपर हो सकता है, ठीक है। तो आप प्रारूप तैयार रखिए, मॉडल पेपर भी देखते रहिए, उसी हिसाब से रहिएगा, ठीक है, आराम से तैयारी करते चलिए, ठीक है, और ईश्वर आपके साथ है, तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।